हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय काल टेंस आइए पढ़ते हैं काल क्या होता है इसके बारे में पढ़िए और समझिए यहां पर कुछ चित्र दिए हैं आइए ने पढ़ें पहला चित्र राम ने रावण का वध किया था वह पढ़ रहा है बारिश के पानी से सड़क भर जाएगी उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया है इन्हें हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं पहला था से बीते हुए समय का बोध होता है दूसरा है से चल रहे समय का बोध होता है और तीसरा जाएगी शब्द से आने वाले समय का बोध होता है तो बच्चों इन तीनों वर्गों को वर्तमान काल भूतकाल व भविष्यत काल कहा जाता है यह तीनों ही काल के भेद होते हैं काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं बच्चों जो क्रिया हो रही होती है उससे जब ये पता चलता है कि वह काम हो गया था हो रहा है या कभी आगे होगा तो उस समय को हम काल कहते हैं आइए पढ़ते हैं काल के भेद काल के तीन भेद होते हैं भूतकाल वर्तमान काल काल आइए तीनों काल को विस्तार रूप से पढ़ें। पहला भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं जैसे मां खाना बना चुकी बारिश हो चुकी प्रेमा सो रही थी पांचों भाई वन की ओर गए थे तो इन वाक्यों में कार्य के पूरा होने या समाप्त होने का बोध हो रहा है यह भूतकाल है भूतकाल के भेद भूतकाल के छह भेद होते हैं बच्चों सामान्य भूत आसन्न भूत, अपूर्ण भूत पूर्ण भूत संगिंद भूत हेतु हेतु मत भूत सबसे पहले है सामान्य भूत भूतकाल का सामान्य रूप ही सामान्य भूत कहलाता है जैसे आपने कहानी पढ़ी उसने अपने दांत साफ कर लिए तो बच्चों यह सामान्य भूतकाल है आगे आसन भूत जो क्रिया बस समाप्त ही हुई हो उसे आसन भूत कहते हैं जैसे रेखा मीटिंग से आई है मनोहर अभी बाजार गया है तो यह क्रिया जो काम है वो अभी अभी समाप्त हुआ है इसे हम आसन भूतकाल कहेंगे आगे है अपूर्ण भूत जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त ना हुई हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं जैसे पिताजी बात कर रहे थे ममता सो रही थी तो यह क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है इसे अपूर्ण भूत कहेंगे आगे है पूर्णभूत जो क्रिया बहुत पहले पूर्ण अथवा समाप्त हो गई हो उसे पूर्णभूत कहते हैं जैसे अशोक ने कलिंग को जीता था सोनू ने फूल तोड़े थे तो यह कार्य बहुत पहले ही खत्म हो चुका है इसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे आगे है संदिग्ध भूत जहाँ भूतकाल की क्रिया में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं जैसे सुधा सो गई होगी साधु ने भोजन कर लिया होगा तो यहां पर क्रिया पे संदेह हो रहा है यानी डाउट हो रहा है तो यह संदिग्ध भूतकाल है और आखिरी है हेतु हेतु मत भूतकाल जहां भूतकाल की क्रियाएं परस्पर निर्भर हों, उसे हेतु हेतु भूत कहते हैं जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती यदि तुम आते तो मैं भी चलती तो यहाँ पर क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है इन्हें हम हेतु हेतु भूतकाल कहेंगे दूसरा काल है वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे मुझे भूख लगी है मोर नाच रहा है स्पर्श दौड़ता है तो यहाँ पे क्रिया के चलने का पता चल रहा है वर्तमान काल के भेद बच्चों वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान संदिग्ध वर्तमान सामान्य वर्तमान होता है वर्तमान काल का साधारण रूप ही सामान्य वर्तमान काल कहलाता है जैसे तुम हस्ती हो विपिन चित्र बनाता है अपूर्ण वर्तमान जो क्रिया अभी वर्तमान काल में चल रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं जैसे कविता सो रही है धाविका दौड़ रही है तो ये कार्य अभी भी चल रहा है इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे आगे है संदिग्ध वर्तमान जिस क्रिया द्वारा वर्तमान काल के होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं जैसे शायद आप कुछ सोच रहे होंगे बस चल रही होगी और तीसरा काल है भविष्यत काल भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं भविष्यत काल के भेद बच्चों भविष्यत काल के दो भेद होते हैं एक सामान्य भविष्यत और दूसरा संभाव्य भविष्य सामान्य भविष्य होता है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य कहते हैं जैसे इस बार गर्मियों में हम सब पंजाब जाएंगे अजय पाठ पढ़ेगा तो यह कार्य सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा इसे हम सामान्य भविष्य कहेंगे संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं जैसे शायद हम कल फिर मिलें शायद हम वॉशिंग मशीन लें। तो यहाँ पर होने वाली भविष्य में जो काम है उसकी संभावना है मतलब वो जरूरी नहीं कि पूरी ही हो इसे हम संभाव्य भविष्य काल कहेंगे बच्चों आपने पढ़े काल और उनके भेद आपने सीखा क्रिया के होने का समय काल कहलाता है काल तीन प्रकार के होते हैं वर्तमान काल भूत काल भविष्यत के छह भेद होते हैं सामान्य भूत अपूर्ण भूत आसन भूत संदिग्ध भूत पूर्ण भूत तथा हेतु हेतु भूत वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान संदिग्ध वर्तमान भविष्य काल के दो भेद होते हैं सामान्य भविष्य तथा संभाव्य भविष्य बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा